पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत को दो मेडल जिताने वाली मनु भाकर तीसरे मैच में यानी कि 25 मीटर एयर पिस्टल में मात्र कुछ पॉइंट से मेडल जीतने से चूक गई। मनु भाकर हारने के बाद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई, उनकी आंखों से आंसू साफ तौर पर झलक रहे थे। लेकिन मनु भाकर को शायद रोने से ज्यादा गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया है। पहली ऐसी महिला जिन्होंने ओलंपिक्स में जाके दो मेडल जीते, हालांकि दो ब्रॉन्ज मेडल जीते, पर यह भी जीतना बहुत बड़ी बात होती है। हरियाणा की रहने वाली मनु भाकर, जिनको 2020 के टोक्यो ओलंपिक में बंदूक ने धोखा दिया था, वहां से यहां तक का सफर आसान नहीं था। मेहनत की, लड़ी और यहां पर आकर उन्होंने पहले ही बार ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसके बाद दोबारा एक और ब्रॉन्ज मेडल जीता। हालांकि आज भी ब्रॉन्ज मेडल आ जाता, लेकिन शायद अंतिम क्षणों में थोड़ा सा किस्मत का साथ नहीं मिला और मनु भाकर मेडल नहीं जीत पाई। मेडल ना जीत पाने की वजह से मनु भाकर जब वहां से हट कर गई, तो जब बैठी थी तो वो साफ तौर पर रोती हुई दिखाई पड़ी। इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि मेरी उम्मीद थी कि मैं कम से कम एक गोल्ड या सिल्वर जीतकर ही घर वापस जाऊंगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। पर हम सब भारतवासी ये कहना चाहते हैं कि मनु ने पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। अब भारत ने कुल 3 ओलंपिक मेडल अभी तक जीते हैं, जिसमें से 2 मनु भाकर ने जिताए हैं। आसान नहीं होता है, लेकिन ये कर दिखाया है मनु भाकर ने, और हम सब यही चाहते हैं कि आपको अपना भी सर थोड़ा गर्व से ऊंचा करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपको बता दें कि मनु भाकर का एक इंटरव्यू आया था, जहां उन्होंने बताया था कि किस तरह की पेरिस में वहां पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लंच नहीं मिल रहा था, तो कैसे सैलेड्स वगैरह खा के वहां पे सरवाइव करना पड़ा, शाम में खाना सही से नहीं मिल रहा था। तो इस सब चीजों को झेलने के बाद परफॉर्म करके मेडल लाकर देना आसान नहीं होता है, ये कर दिखाया है। और हम सबको भी यहां तक, जो कुछ लोग अगर ट्रोल कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा समझदार बनना चाहिए कि ये आसान चीज नहीं होती है। हजारों लाखों करोड़ लोग कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं यहाँ तक पहुँचने की, जहाँ तक मनु पहुँच गई हैं, 2 मेडल जीत लिए हैं, तीसरे में ज़रूर चूक गई, हैट्रिक लग जाती, लेकिन इतना भी करना आसान नहीं होता है। और हम सबको मनु भाकर पर गर्व है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।